ये मैं आम का लच्छा अचार बना रही हूँ, जो कि झटपट अचार है, और इसे आप फटाफट बना के एक दिन में खाना शुरू कर सकते हैं। तो मैं 250 ग्राम आम ली हूँ, और इसे देखिए सारे को मैं ग्रेटर में ग्रेट कर दी हूँ। ये मैं 2-4 मिर्च को भी क्रश करके अपने लच्छे वाले अचार में डालूंगी। अब क्या करूँ? अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ, तो मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाली हूँ, नमक डाली हूँ, रेगुलर नमक है, थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल दी हूँ, थोड़ी सी इसमें मैं मिर्चा पाउडर भी डाली हूँ, कश्मीरी मिर्च, और ये अचार का मसाला मैं 2 चम्मच डाल देती हूँ। ब्लैक सॉल्ट भी डाली हूँ, 1 टीस्पून मैं इसमें शुगर भी डाल दी हूँ, खट्टा मीठा हो जाएगा ये, और सारे को मैं मिक्स कर देती हूँ। मैं इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल दी हूँ, और सारे को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। 1/4 कप मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल, मैं इसे गर्म करके ठंडा कर देती हूँ, और उसे ही डाली हूँ। तो गाइस ये देखिए सारे कुछ मैं डाली हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें सिरका डाल देती हूँ, और इसे धूप में एक दिन के लिए छोड़ देती हूँ। आप चाहो तो इसे साल भर भी ये रह सकता है, अगर आप इसमें विनेगर डाल दें तो ये साल भर आप इसे यूज कर सकते हैं। 4 टीस्पून मैं इसमें कलौंजी डाली हुई, इससे इसका टेस्ट और इन्हांस हो जाता है फ्रेंड। तो देखिए आम का जो लच्छा वाला अचार है वो बन के तैयार है, और अब मैं इसमें थोड़ी सी 1 बड़ा चम्मच सिरका डाल के मैं इसे धूप में इसी बॉल में छोड़ देती हूँ। तो गाइस ये देखिए हमारा आम का लच्छा अचार बन गया है, आप इसे साल भर भी रख सकते हैं, डेली भी खा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24। दुआओं में याद रखिएगा, और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।